पावटी की एक वीडियो वायरल हुई, आप सब लोगों ने देखी होगी। मुझे बड़ी तकलीफ हुई इससे, जहां एक मुनादी हो रही है। मुनादी करने वाला शख्स भी शेड्यूल कास्ट का ही है, उसकी शेड्यूल कास्ट की जो उपजाति है उसी उपजाति में से हमारे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि एक ताकतवर व्यक्ति ने, उनके पास विकल्प नहीं था, कहा कि सबसे झगड़ा मोल हो जाएगा। तो एक बड़े समाज की परवाह न करते जो मुनादी हुई, आप समझिए कि किस डर का माहौल है। लेकिन मैंने इस बात को, मेरा फर्ज बनता है कि मैं वहां तत्काल जाके, उस पुलिस ने कार्रवाई की, उससे भी बड़े पैमाने पे घटना हो जाए, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन ये सब चीजें हो क्यों रहा है, इस बात को जानने के लिए मैं गांव गया चुपचाप। और गांव जाके मैंने वहां की बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से, नौजवानों से बात की। पहली बात तो वो डर के साए में, उनको लगता है उनके साथ कोई अनहोनी कर सकती है। मैं वादा करके आया हूं कि ऐसा कुछ, लेकिन जो बात मैंने वहां जाके फील की वो बात मैं आपसे बयां करना चाहता हूं। मैं जहां तक मैं समझ पाया हूं व्यक्तिगत रूप से, देश आजाद हुआ, मेरी बात पे आप गौर करना, देश आजाद हुआ, पावर ट्रांसफर हुआ, अगस्त 1947, बहुत कुछ नहीं बदला। अंग्रेज चले गए और कह के गए कि भारत का अपने देश को चलाने के लिए संविधान बना दो, तो हम लोग इसको फ्री कंट्री कर देंगे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू बदला, ये कि हम आजाद हो गए, भारत के संविधान के अनुसार हम लोग आजाद हो गए, हमको समान अवसर, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहता है वो मिली। लेकिन एक कड़वा सच ये भी कि जो गरीब था वो गरीब रह गया, जो अमीर था वो अमीर रह गया। अवसर मिले तो पैसे वाले लोगों ने और अपना पैसा बना लिया, गरीब को कोई अवसर ही नहीं मिला है। थोड़ा बहुत जो अवसर मिला है, मैं अगर बात करूं बहुजन समाज की, तो बहुजन समाज बहुत बड़ा है, उसकी आबादी देश में 100 करोड़ से ज्यादा आज के समय में। उसको अगर कुछ मिला स्पेशली, तो वो एक आरक्षण के रूप में झुंझुना। भारत के अंदर 2% सरकारी नौकरी है, और 2% सरकारी नौकरियों में मंडल कमीशन तो बाद में आया, पहले शेड्यूल कास्ट के लोगों को 22.5% रिजर्वेशन मिलता था, बाद में मंडल कमीशन आया तो पिछले वर्ग के लोगों को 27%, यानी कि टोटल आरक्षण मिला के हुआ 49.5%। ये मिला सरकारी नौकरियों में, और उसके अलावा जो आरक्षण मिला वो एजुकेशन में, स्कॉलरशिप में, राजनीतिक आरक्षण मिला। लेकिन क्या आर्थिक सशक्तिकरण पे कोई काम हुआ? मैं इस बात को क्यों कोट किया था, जितने लोग उस समय जो है, जब भारत का संविधान उन्होंने हैंडओवर किया राष्ट्रपति जी को, तब उन्होंने इस लाइन को कोट किया था कि संविधान की वजह से वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो एक वोट एक कीमत, राष्ट्रपति की हो या मजदूर किसान की, सबको बराबरी का वोट का अधिकार है, सबकी वोट की वैल्यू वही है। लेकिन इस देश में जो हजारों साल से जो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग संविधान बना के, मनुवाद के, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जिसको हम लोग कहते हैं, ब्राह्मणवाद के आधार पे जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो बनाई थी, वो अभी भी लागू हो रही है। जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक जो गैर बराबरी चली आ रही है वो दूर नहीं होगी, यानी कि जाति के रूप में जो सामाजिक गैर बराबरी चली आ रही है कि छोटी जाति का बड़ी जाति का पैदा होती कर्म वर्म कुछ रखते नहीं है, ऊपर से जो गरीब के यहां पैदा हुआ वो गरीब ही, उसके लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया कि उसको जब पैदा हो तो उसको कुछ अलग से विशेष कुछ प्रावधान मिल जाए कि भाई वो उसके बाप गरीब थे तो वो गरीब ना रहे।
तो वो जो सोशल ऑर्डर था, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक जो सोशल ऑर्डर था, जिसमें जो आजाद भारत में भी जो गरीब था वो गरीब रहा और जो अमीर था वो अमीर रहा, इतने बड़े समाज के हाथ में आरक्षण के नाम पे झुंझुना आया जिससे